जनपद के सभी 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 1664 प्राथमिक, 461 कंपोजिट और 376 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रीडिंग मेला का आयोजन 23 नवंबर को किया गया, जिसके तहत विद्यालयों में मौजूद पुस्तकों का डिस्प्ले लगाने और बच्चों को एक साथ बैठ कर पढ़ने का अवसर देने व कहानी सुनने का अवसर उपलब्ध कराया गया। मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने चरगावा और खोराबर ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बालिकाओं से कविता और कहानी सुना, साथ ही उनसे उनके भविष्य के स्वर्णिम सपनों के बारे में जानकारी ली। विद्यालय के शिक्षकों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए इस अवसर पर उन्होंने रीडिंग मेले के फायदे पर बात की और कहा कि इससे विद्यालय में लाइब्रेरी और रीडिंग कार्ड के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा और लाइब्रेरी के सक्रिय होने से बच्चों को कहानी और कविताओं की किताबों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, जो इनके पठन कौशल और पढ़ने की आदत में सुधार लाएगा और साथ ही साथ जो बच्चे अटक कर पढ़ रहे होंगे वह धारा प्रवाह पठन की दिशा में अग्रसर होंगे और बच्चों के अंदर पीयर लर्निंग की संस्कृति का विकास होगा, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होगा। वह शब्दों के अर्थ समझेंगे और कहानियों के ऊपर होने वाली चर्चाओं से उनकी समझ बढ़ेगी और पढ़ने के आनंद की अनुभूति होगी। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि बच्चों में पढ़ाई की गुणवत्ता को और बेहतर किया जाए। सभी बच्चों ने रीडिंग बहुत अच्छा किया तथा दिए गए निर्धारित समय से पहले ही रीडिंग को पूरा कर लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, तो करा लीजिए ना डिमांड कुछ स्टैंडर्ड साइन समोसा का समझ गया और दुकान पे गया, दुकान वालों को नहीं करेगा उसके लिए, हमारे आपके लिए कंपलसरी हम ट्रेन करेंगे, क्योंकि मजबूरी नहीं है कि हमको ट्रेन होना है, लेकिन दुकान वाले की क्या मजबूरी है, तो उसको बेचना है, अगर नहीं आप लेंगे दूसरा कोई लेगा, सर अर्थ का अनर्थ हो जाए इसलिए शब्द दिया जाता है। बोलते भी हैं सर, मतलब अगर बुलाए तो बुलवा देते हैं दीदी।
कुछ मतलब सर कि आप यहाँ इसी हॉल में जीते हैं आप सब लोग, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये जो चीज़ें यहाँ स्कूल में हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे इस रूम में भी लाइट का हो जी, जिसने ये परचेज किया और अगर इसमें दूसरी वार्ड का लेता तो आई थिंक 5 या 6 का लगा हुआ है सर। आपको मैं एक स्टडी बताता हूँ, जो गाँव में बच्चे पढ़ते हैं उनकी आंखें कभी कमजोर नहीं होती क्योंकि उनको बाहर पढ़ाया जाता है, सबसे बढ़िया होती है नेचुरल लाइट। अगर वो नहीं है तो देन वी हैव टू प्रोवाइड दिस लाइट विद फुल इंटेंसिटी ताकि उसकी जो वोल्टेज जो उसका इल्यूमिनेशन बहुत ज्यादा। तो आज डॉक्टर शकुरफा मिश्रा यूनिवर्सिटी में वो सब बीएड कर रहे हैं उनके यहाँ, जो यहाँ की फर्स्ट बैच की थी, उसके बाद सेकंड बैच बीएड चुपक गई है सब। वो तो आप लोग की मेहनत है, आप ऐसे सोचिए ना कि जो अभी आपके पास बैच है, जो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो बाहर के बच्चे जिसमें जा रहे हैं उस तरह से, क्योंकि ये जो रेजिडेंशियल माहौल होता है ये बेस्ट माहौल होता है। अगर छोटे छोटे इंटरवेंशन से हमारे उसमें इन्वॉल्वमेंट से आपको लगता है कि ये स्कूल में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आई नॉट सेइंग कि 100% लेकिन अगर 5% भी इम्प्रूवमेंट आती है कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं जब सब समूह में लगता है तो बहुत स्कूल डिफरेंट हो सकता है। तो एक विजन डॉक्यूमेंट तो बना ही सकते हैं स्कूल का, स्कूल को हम किस लेवल पर ले जाएंगे। दो हो सकते हैं उसमें, हार्डवेयर पार्ट हो सकता है जैसे रीडिंग का पार्ट हो गया, ये भी जो आपका परचेज हो रहा है स्मार्ट क्लासेस कहीं ना कहीं दीप सर ने मुझे भी उसमें इन्वॉल्व किया जी सर, उसका कॉन्टेंट मैंने बहुत बारीकी से देखा और बहुत सारी बुक्स मैं आपको डोनेट करवा सकते हैं, हेल्प करके सोसाइटी को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं। लेकिन एक गैप एनालिसिस मेरा है, एक गैप एनालिसिस आपका भी आना चाहिए, जो डे इन डे स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल थिंग्स विद प्योर इंटेंशन कि सर फ्रॉम दिन चार बच्चों की है आपकी है, आपके लिए क्या स्थापना चाहिए, पहले तो बच्चों के लिए चाहिए। कितने बच्चे हो सर? 10 बच्चे हैं जी। और 10 बच्चे हैं जी, 10 बच्चे हैं सर। ऐसे ही ऐसे कई लोगों का ऐसे हम लोग जैसे इनको पढ़ाना होता है तो ये हम लोग इस वर्षीय बनाते हैं, कहाँ पे मौजूद उत्पादन कहाँ पे अधिक होता है तो ये बच्चे हम लोगों का समझ जाते हैं, इससे दिशा ज्ञान करवा देते हैं। क्या नाम जी? क्या नाम है आपका? नाम मन राय सर। मैं भी 15 साल से हूँ लेकिन क्योंकि अलग अलग सर ब्रेन में सर के निर्देशानुसार उनके विजन के अनुसार हमने सारे कस्तूरबा गांधी जो है गोरखपुर के उसमें रीडिंग मेले की शुरुआत की है, जो 9 बजे सारे टीचर्स बच्चे बैठ के जो लाइब्रेरी में बुक्स उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है इसके अलावा भी जो अन्य पुस्तिकाएं हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों की रीडिंग्स की हैबिट डेवलप करने के लिए बच्चों को आज से स्टार्ट किया गया, पहले भी चल रहा था लेकिन अब इसको एक फोकस तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ एक गैप एनालिसिस किया गया है जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या इंटरवेंशन किए जा सकते हैं, टीचर्स की नीड क्या क्या है उसको लेके और उसको अलग अलग माध्यम से फंड पूल करके उस सबको पूर्ण कराया जाए। निरीक्षण में जो मैंने देखा है कि अभी जैसे पीछे बाउंड्री वॉल का जो कमी है उसके लिए ऑलरेडी एस्टिमेट बन चुका है, एक डाइनिंग हॉल बना हुआ है लेकिन उसके फ्रंट के जो ज़मीन है उसको भी पक्का करा देंगे तो वो भी यूज़ में आ जाएगा, और जो अभी पूरा मैं भी निरीक्षण कर रहा हूँ तो शाम को आपको रिपोर्ट पूरी दे दूँगा गैप एनालिसिस करके उसको पूरा भी कराया जाएगा। इससे पहले भी जो है हमने एक सर्वे करा के कि क्या क्या है ऑलरेडी उसके ऑर्डर जा चुके हैं, जैसे स्मार्ट क्लासेस सारे KGBV में लगेगी कस्तूरबा गांधी जो हमारी विद्यालय गोरखपुर में, उसका टेंडर स्टेज चल रहा है अभी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टैबलेट दिए जाएंगे जो स्पेशल बच्चे हमारे जिनको स्पेशल एजुकेशन नीड्स है उसके लिए भी, तो इस तरह से एजुकेशन की जो क्वालिटी है गुणवत्ता है बच्चों में ग्रेड कॉम्पिटेंसी आए टीचर की ट्रेनिंग रेगुलर होती रहे उनको फोकस करते हुए ये सारे जो है पहल की जा रही है। सर रीडिंग बच्चों से कराया गया किस तरह से पाया गया? रीडिंग बहुत अच्छी बच्चों ने की है, एक बच्ची है गुड़िया जो ब्लाइंड है ब्रेल से पढ़ती है
सबसे पहले उसी ने अपने आप ही कहा कि मैं पढ़ूंगी, और उसने पूरा चैप्टर जो निर्धारित जो हमारे ग्रेड जो होते हैं कॉम्पिटेंसी के, जिसमें एक पैराग्राफ को एक पर्टिकुलर टाइम में पढ़ना था, उसने उससे भी अच्छा पढ़ा। और उसके साथ साथ उस बच्चे ने उसका जो भाव था वो भी ग्रहण किया कि वो कहना क्या चाह रहा है। बच्चे आपस में अब डिस्कस कर रहे हैं, कविताओं को डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि जो उनकी चेतना है वो जागृत हो सके और उसमें उनका विकास हो सके। डीएम सर के द्वारा कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय हमारे, इसके लिए रीडिंग मेले का एक शुरुआत की गई है, जो पहले भी रीडिंग पे फोकस किया जा रहा था जो ग्रेड कॉम्पिटेंसी में, लेकिन इसको जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से सर ने सारे नोडल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा के सारे कस्तूरबा जो स्कूल है वहाँ भेजा गया था। इसमें मेरे द्वारा खोरावा और चरगावा के दो कस्तूरबा जो स्कूल है उसमें मेरी ड्यूटी लगी थी। इसमें जो बच्चों का जो रीडिंग हैबिट्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए मल्टीलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि वो उसको पढ़ सके अलग अलग माध्यम से, कविता के पाठ पढ़ने से, और जो अपनी स्टडी की बुक्स के अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुक्स दी गई है उसको भी पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी कॉर्नर वहाँ बनाया गया है। बच्चे उसको पढ़ते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, उसके भाव से आगे जो जो सीखते हैं वो सब चीज़ें जो है ओपन टीचर्स के साथ बैठ के उस पर पूरे का पूरा एक घंटे का सेशन करते हैं। इसकी शुरुआत आज की गई है। इसके अलावा जो स्कूल में गैप एनालिसिस किया गया है कि और क्या क्या जो सुविधाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अवस्थापना में दे के बच्चों को बेहतर सुविधा देते हुए उनकी जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है उसको बढ़ाया जाए। सर ने जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स के लिए भी व्यवस्था की है, और एक उनका ट्रेनिंग सेशन हो चुका है और आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस लगाने के लिए कस्तूरबा गांधी स्कूलों में जो हमारा टेंडर प्रोसेस चल रहा है, और खान अकेडमी के साथ हमारी बात चल रही है जो वहाँ पे साइंस और मैथ्स की क्लासेस ऑनलाइन कस्तूरबा स्कूलों में प्रोवाइड करेंगे।